40% आती है, 60% is non-verbal communication. जिन अल्फाज का आप इंतखाब करते हैं, आपका मैसेज ट्रांसफर करने में उन अल्फाज की अहमियत सिर्फ 7% होती है. तो जो आप बहुत सोच सोच के आपने लफाजी की है कि आप बेहतर से बेहतर बात पेश कर सकें लोगों के आगे, उसको सिर्फ पोर्ट्रे करने का अंदाज है जो उस बात की इफेक्टिविटी को बरकरार रखेगा. आपके लफ्जों की अहमियत 7% है, आप लफ्ज किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है. जैसे अभी नुसरत साहब ने एक मिसाल दी थी मिर्जा साहब की, ये मिर्जा साहब के बगैर के मिसाल से हटते हुए मैं गुनाह उठाए बगैर ये बात कहूंगा. अब उनकी गुफ्तगू में बॉडी लैंग्वेज की कितनी अहमियत है, जेस्चर्स की कितनी अहमियत है. नो मैटर व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ स्पीच ही इज टॉकिंग अबाउट, द वे ही इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेट्स अ लॉट ऑफ मैसेज. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is a very important portion of communication. But written communication, mostly written communication, अगर तो informal है तो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोग आपकी writings को enjoy करेंगे. तो novels वगैरह की जबान होती है, वो उमूमन जबान सीखने के लिए इस्तेमाल होती है और उमूमन उसमें messages transform किए जा रहे होते हैं. Novel reading के बारे में कहा जाता है कि एक दफा आप पढ़ते हैं entertainment के लिए, दूसरी दफा आप पढ़ते हैं लैंग्वेज समझने के लिए किस तरह से लिखा गया है, और उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन की अहमियत बहुत बढ़ जाती है. वो इसलिए कि अगर आप किसी दफ्तर में एड्रेस कर रहे हैं किसी मैनेजर को, अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी कोई कंप्लेन है, आप किसी अखबार में छपना चाहते हैं कि ये ऐसी कंप्लेन है जिसपे पूरी दुनिया सोचे, तो फिर आपने जिस तरह से लिखा है उस बात की बहुत अहमियत. Your writing is selling you abroad, across the world also. So your writing should be very effective. Your selection of the words you are choosing, the way you are adopting punctuation, everything is important in that. So writing the skills formal purposes के लिए सीखना पड़ती है. और writing में ये है कि जब आप verbal communication कर रहे होते हैं तो आप अपने gesture से, आपके पास correction का margin बहुत ज्यादा होता है. यानी वर्बल कम्युनिकेशन में मेरे मुंह से एक बात गलत निकली, मैंने महसूस कर लिया कि ऑडियंस खुद गड़बड़ा गई है इस बात पे, मैंने फौरन उसको करेक्ट कर दिया. हम वर्बल कम्युनिकेशन को करेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास करेक्शन के चांसेस होते हैं. रिटन कम्युनिकेशन में करेक्शन के चांसेस नहीं होते. मैं एक मैगजीन को एडिट करती थी और हमारे यहाँ ये मिसाल दी जाती थी, क्यों तवज्जो देने की जरूरत है. उनका कहना यह था कि हम ये कहते हैं कि जब तक आपके हाथ से मटेरियल निकल के प्रेस में नहीं गया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारी ईस्टर्न वर्ल्ड में कहावत कही जाती है कि अभी लड़की घर में है. यानी जितना सिखाना है आप उसको पहले से सिखा दें, जब वो बाहर जाएगी या दूसरे घर जाने का कॉन्सेप्ट होता है तो दूसरे उसका बुराई ना निकाल सके, खामी ना निकाल सके. तो इतना डेलिकेटली उसको डील किया जाता है. रिटन कम्युनिकेशन में एरर मार्जिन बिल्कुल नहीं होते. एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि एक नुक्ते की गलती से आदमी मैडम से मुजरिम हो जाता है. तो इस बात का आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि रिटन कम्युनिकेशन इज एन आर्ट जो आपको सीखना है, और उसमें यह है कि आपने ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन ना जनरेट करें आपकी टॉक, और दूसरी बात यह है कि राइटिंग ऐसी हो कि लोग आपको फौरन बुलाएं अपने पास, बात करना चाहें. स्पेशली जो आपकी एज है इसमें सीवी राइटिंग, अपना इंट्रोडक्शन भेजना, अगर आपको कहीं ब्रीफ भेजना है, तो दिस इज योर मार्केटिंग स्टेज. आप जितना अच्छा उसको मार्केट करेंगे उतनी इफेक्टिव आपकी फ्यूचर इंटरेक्शन होगी दूसरों के साथ. अब कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? ठीक है, कम्युनिकेशन थ्री स्टेज पर होती है, वर्बल, नॉन वर्बल और वेटर. कम्युनिकेशन व्हाट इज कम्युनिकेशन? A healthy communication is where sender and receiver gets the same message. Communication always requires two persons or more than two persons. There are two sides if belonging together. One who is giving the message, the other who is receiving the message. The best communication is where sender and receiver gets the same message. अब अगर ये नहीं हो रहा है, यानी मैं कुछ कह रही हूँ दूसरा कुछ समझ रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है मैं कुछ समझ रही हूँ,
तो उसमें क्या होगा अल्टीमेट कंफ्यूजन रहने को इट मीन दैट यू आर नॉट द मास्टर ऑफ कम्युनिकेटिंग यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट एक्चुअली तो अगर आप समझ नहीं रहे हैं और समझा नहीं पा रहे फॉल्ट लाइज इन यू ऐसे ट्रेनिंग हम ये फील करते हैं अगर हम खुद को स्किल करना चाहते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समझें कैसे कम्युनिकेट करना है कैसे दूसरों के मैसेजेस को समझना है इवन अगर किसी को बात करनी नहीं आती तो आप में इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप ये बात समझ सके कि उसे कहने नहीं आए वो कह नहीं पाया या फिर जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड है आप उनको समझें मिसाल के तौर पे एक फ्रेज ने हमारी कराची की लाइफ को बहुत बुरी तरह मुतासर किया अगेन आई एम ब्रिंगिंग अ बिल्डर्स एग्जाम्पल भूखे नंगे लोग ठीक है ना और इस भूखे नंगे लोगों ने बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट की जो उर्दू समझते हैं वो मुझे बताएं कि भूखे नंगे का क्या मतलब